नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल STC में। मैं हूं स्वराज सिंह और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पंप कैसे सेलेक्ट करें। अगर आप किसी प्रेस के लिए कोई पावर पैक बनाने जा रहे हैं या किसी सिलेंडर के लिए कोई पावर पैक बनाने जा रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड करें कि हमको कितने लीटर का पंप उसमें लगाना चाहिए। दूसरा है कि कौन सी टाइप का पंप लगाना चाहिए, हम गेयर पंप लगाना अच्छा रहेगा या वेंट पंप लगाना अच्छा रहेगा या फिर पिस्टन पंप लेना चाहिए, ये सब बातें आज हम लोग करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर जानकारी आपको लगे कि शेयर करने लायक है, ये जानकारी अगर उपयोगी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमने एक इमेज लिया हुआ है एग्जांपल के लिए जो कि वर्टिकल प्रेस है और ये सिंगल सिलेंडर प्रेस है। इसके लिए हमको जो है पंप सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम पावर पैक बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए हमको जो है पंप सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पंप जब सेलेक्ट करने जाएंगे आप तो सबसे पहला आपके पास जो सवाल रहेगा कि फ्लो कितना रखें, मतलब कि फ्लो जो है मतलब हम कितना LPM का जो है पंप यहाँ पे लगाएं सबसे पहला। दूसरा रहेगा कि क्या वो पंप हमारे वर्किंग प्रेशर, जितना प्रेशर में ये प्रेस चलने वाला है उतना प्रेशर ले पाएगा। और तीसरा जो सवाल आएगा आपके पास ये कॉस्टिंग, हो सके कुछ लोगों के लिए ये जो कॉस्टिंग वाला जो पॉइंट तीसरा पॉइंट जो है मायने नहीं रखता हो, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉस्टिंग भी मायने रखती है। ठीक है, तो मशीन का, जिस भी मशीन का आपको पावर पैक बनाना है उसका पंप सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले उस मशीन का डाटा आप निकालिए। जैसे इसका कि डाटा यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंगल सिलेंडर प्रेस है, एक ही सिलेंडर है इसमें। और इसका देखिए, उस सिलेंडर का जो है बोर 300 mm है यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रोक जो है 400 mm दिया हुआ है और तीसरा जो है यहाँ पर सिलेंडर फॉरवर्ड का जो है स्पीड दिया हुआ है 40 mm/s, चौथा जो है वो वर्किंग प्रेशर दिया हुआ है। तो आपको पंप सेलेक्ट करने से पहले क्या है, आपको एक मशीन के एक साइकिल टाइम आपको पता होना चाहिए। साइकिल टाइम क्या होता है, जैसे ये प्रेस है और इस प्रेस का काम है अप एंड डाउन मूवमेंट करना, मतलब इसमें क्या है, ये प्रेस एक बार नीचे, ये सिलेंडर एक बार पूरा नीचे आके ऊपर जाने में जो समय लेगा उसको हम जो है साइकिल टाइम बोलते हैं। तो इसमें साइकिल टाइम नहीं दिया हुआ है और साइकिल टाइम जो होता है वो पंप के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा और साइकिल टाइम जो है उतना कम होगा। तो सबसे पहले आपको जो है साइकिल टाइम जो है पता कर लेना चाहिए किसी भी प्रेस का, अगर पंप आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो। अब साइकिल टाइम आपको कैसे पता चलेगा, या तो जो लोग इस प्रेस को चलाते हैं ऑपरेटर उनको पता होता है कि भाई कितना सेकंड में हमारा सिलेंडर अप एंड डाउन हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आप प्रोडक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि घंटे में आपको कितना पीस बनाना है, कितना तेज़ी से आपका होना चाहिए, उस हिसाब से आप एक टाइम जो है इसका एक फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 40 mm जो है पर सेकेंड इसका स्पीड दिया हुआ है और फुल स्ट्रोक जो है इसका वो 400 mm है। इसको हम और आसान कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में ये सिलेंडर जो है वो 40 mm नीचे आता है, तो 400 mm नीचे आने में कितना लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा, मतलब 10 सेकेंड में ये जो है 400 mm सिलेंडर जो है वो नीचे आ जाता है 400 mm। ठीक है, अब देखिए एक टाइम हमको मिल चुका है 10 सेकेंड और स्ट्रोक हमको मिल गया है 400 mm, तो हमको क्या करना है, पहले ये जो 400 mm जो इसका स्ट्रोक है, यहाँ देखिए सिलेंडर का बोर भी दिया है। सिलेंडर का बोर क्या होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर जो होता है एक पाइप के अंदर बना होता है, एक सीमलेस पाइप होता है होनिंग किया हुआ और उसके अंदर जो है पिस्टन लगे होते हैं और रॉड लगे होते हैं जो ऑयल के फ्लो से आगे और पीछे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमको क्या डिसाइड करना है, एक टाइम तो हमको 10 सेकेंड मिल चुका है यहाँ, अब हमको क्या डिसाइड करना है कि ये 400 mm स्ट्रोक जो है 10 सेकेंड में डाउन हो रहा है तो इस 400 mm को फिल करने के लिए कितने लीटर ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमको निकालना ज़रूरी है। तो आप जानते भी होंगे कि अगर कोई स्ट्रेट है राउंड सिलेंडर है तो उसका अगर हमको लीटर डिसाइड करना है तो उसका वॉल्यूम जो है हमको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई
पाई आर स्क्वायर एच। मुझे थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इससे जो है इसका वॉल्यूम निकल आएगा और उससे हम अपना लीटर जो है डिसाइड कर लेंगे। हम सारा डायमेंशन अगर यहाँ पे मीटर में लेते हैं, मीटर में लेने वाला हूँ मैं अभी सारा डायमेंशन, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अगर आप यहाँ सेंटीमीटर में लेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमको क्या करना है, अगर हम इस फॉर्मूले को इस सिलेंडर के लिए यूज करते हैं, इस 400 स्ट्रोक में कितना ऑयल आएगा वो डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस है इसका, इस सिलेंडर का आर, ठीक है। और आर स्क्वायर है तो फिर आर लेंगे और इंटू लिख देंगे एच, ठीक है। अब हम इसमें जो है वैल्यू डालते हैं, 3.14, रेडियस कितना है 150 एम। यहाँ देखिए डायमीटर अगर 300 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 150 एम हो जाएगा। इसको हम अगर मीटर में लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15, 0.15, 0.15। ये सारा मैंने मीटर में लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे 0.15 लिखा हुआ है। अच्छा, और लेंथ कितना हो गया, स्ट्रोक जो था वो 400 mm था, मतलब 400 mm लेंथ में कितना ऑयल भरेगा वो हमको निकालना है। तो इसको हम जब मीटर में लेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। अब देखिए ये हमारा जो है वो वॉल्यूम निकल आया 10 सेकेंड में, जितना ये सिलेंडर डाउन आता है उसका वॉल्यूम जो आ रहा है 400 mm लेंथ का जो वॉल्यूम है ये वो 0.0283 मीटर क्यूब आएगा। ये समझिए हमारा आ गया मीटर क्यूब। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है आपको कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है उसमें आपका आता है 1000 लीटर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ रहा है तो यहाँ पे है 0.0283 मीटर क्यूब, तो इसमें कितना लीटर आएगा, इसको निकालने के लिए हम जो है यहाँ यहाँ टाइप करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 0.0283 मीटर क्यूब है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा ये जो आ रहा है ये 28.3 लीटर आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 10 सेकेंड में जो 400 mm जो स्ट्रोक हमारा नीचे आ रहा है सिलेंडर, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो 28.3 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 28.3। अब ये देखिए यहाँ पे हमने ये कैसे डिसाइड हुआ, मतलब 10 सेकेंड में क्या हो रहा था, ये सिलेंडर जो है वो 400 mm नीचे आ रहा था, तो 10 सेकेंड में जितना ऊपर के 400 mm नीचे आया, 300 mm का बोर का सिलेंडर है और 400 mm जो है ये नीचे आया, तो 400 mm में जो ऊपर एरिया खाली हुआ जिसमें ऑयल भरना है हमको, उसमें 28.3 लीटर का लीटर की ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट जो हमारा है वो 28.3 लीटर की है। तो 10 सेकेंड में अगर 28.3 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में जो रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी 28.3 × 6। ये हमारा अब जो है एलपीएम डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देंगे वन सिक्स नाइन पॉइंट एट। तो सबसे पहला जो आपका सवाल था, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा जब हम पंप फ्लो डिसाइड करने जाते हैं तो फ्लो का, तो ये हमारा एक सॉल्व हो गया, ठीक है। 169
0.8 LPM की ज़रूरत होगी अगर हमको इस स्पीड में इस सिलेंडर को चलाना है तो। अगर 40 mm पर सेकेंड की जगह अगर स्पीड और ज़्यादा होगा, 50 mm, अगर 50 mm करेंगे इसको, तो ये फ्लो जो है और ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड होगा, मतलब और ज़्यादा फ्लो की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड जो आपका है ये है वर्किंग प्रेशर, मतलब ये कैसे डिसाइड करें। इसमें देखिए पंप का जो डिज़ाइन है वो उसकी कोई गिनती नहीं है, मैंने कुछ आपके लिए डिसाइड करके मतलब सेलेक्ट करके लाया हुआ है। ये देखिए सबसे पहले इसका वर्किंग प्रेशर जो है 150 बार, तो इसको हम जो है लो प्रेशर मान सकते हैं। 200 बार से नीचे जो जहाँ भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लो प्रेशर बोल सकते हैं। तो लो प्रेशर जो है 200 बार तक के लिए जो है आप ज़्यादातर जो है ये पंप यूज होता है। एक तो गियर पंप है, अगर आपका 150 160 बार है आप ये पंप एकदम निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। दूसरा जो पंप है ये वेन पंप है, ये दोनों पंप जो है लो प्रेशर में ही यूज होता है। वैसे मैंने यूकेन की वेबसाइट में और बेल्जियन की वेबसाइट में मैंने देखा हुआ है कि वेन पंप जो है 300-300 बार तक के आते हैं, 280 बार तक के आते हैं, लेकिन जनरली जो है लो प्रेशर में ही ये दोनों पंप यूज होते हैं, मतलब 200 बार से नीचे। अगर आपका प्रेशर 200 बार से ऊपर है, अगर प्रेशर को रिक्वायरमेंट जो है 200 बार से ऊपर, मतलब 220 250 300 बार की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये दोनों पंप नहीं लगाना चाहिए। इसको छोड़ के आपको सीधा जो है वो पिस्टन पंप यूज करना चाहिए। देखिए पिस्टन पंप में भी अलग अलग डिजाइन का आता है, ये दोनों जो है रेडियल पिस्टन पंप है, ठीक है, और ये दोनों जो है वो एक्सल पिस्टन पंप है, इन दोनों में भी अंतर है। फिक्स डिलीवरी जो ये जो पंप है ये इसकी डिलीवरी जो है वो फिक्स है, आप इसको वेरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है वेरिएबल डिलीवरी, मतलब इसका जो फ्लो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हाई प्रेशर में जब भी 200 बार से ऊपर जब भी रिक्वायरमेंट हो प्रेशर की, 250-300 बार, ये जो दोनों पंप है समझिए ये 350 बार 400 बार तक प्रेशर देने में सक्षम होता है ये दोनों पंप, तो आप इस तरह से पंप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल आता है हमारा, पहला तो होता है कि भाई कितने लीटर का पंप लगाएं, ये हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा आता है कि वर्किंग प्रेशर कौन सा पंप जो है कितना प्रेशर लेने में सक्षम होता है, उसका भी मैंने एक रफली आइडिया दे दिया है। तीसरा आता है कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मशीन जब आप बनाते हैं, अगर कोई छोटी मशीन में मैं एग्जांपल के लिए अगर बताऊं आपको, तो ये देखिए सबसे कम खर्चे में जो पंप आता है वो गियर पंप आता है। वेन पंप जो होता है वो इससे थोड़ा महंगा होता है, और ये जो पिस्टन पंप होता है ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अभी एग्जांपल के लिए अगर आपको 80 cc का कोई पंप लेना है, ठीक, 80 cc का अगर वेन पंप आप लेने जाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 का पड़ेगा, 25 पकड़ लीजिए, 30 पकड़ लीजिए, 30,000 तक का आ जाएगा अगर वेन पंप आप लगाते हैं यूकेन का तो। और यही 80 cc का अगर आप ये पंप लेने जाते हैं तो ये आपको पड़ेगा सीधा 1.5, मतलब 1.5 लाख के आसपास का आएगा ये पंप। अगर यही 80 cc का पंप अगर आप ये लेने जाते हैं तो ये सीधा 3-3.5 लाख के आसपास इसका कॉस्ट चला जाता है। तो कॉस्टिंग बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। अगर आपको ये नहीं पता है कि लो प्रेशर में हम वेन पंप यूज कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जिस आदमी को अगर ये नहीं पता होगा कि हमारा 150 बार में वेन पंप काम कर सकता है, हमारा गियर पंप काम कर सकता है, और सिर्फ 150 बार के लिए कहीं अगर आप ये पंप खरीदने चले गए तो आपकी मशीन की कॉस्टिंग जो है सीधा 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ आई है या मेरे से कहीं पे कुछ गलती हो गई है या कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।